क्षेत्र के एक प्राइवेट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इंटर सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने पर बवाल किया। विद्यार्थियों ने पहले बिहिया ओवर ब्रिज के समीप जमकर बवाल काटते हुए तोड़फोड़ व प्रदर्शन किया। इसके बाद बिहिया स्टेशन के समीप मगध एक्सप्रेस ट्रेन पर रोड़ेबाजी कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। ट्रैक पर ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर रख कर दिया, इससे अब पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। इससे दौरान दानापुर डीडीयू रेल खंड पर करीब एक घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बाद में पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद छात्रों को खदेड़ा गया, तब तक आवागमन सुचारू हुआ और स्थिति सामान्य हुई। विद्यार्थियों का कहना है कि हम लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। जब मालूम किए तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, अब की 5,000 रूपए दिया गया है और 3100 रूपए की पुनः मांग की जा रही है। कॉलेज के दो प्राचार्य हैं, दोनों गायब बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि अप लाइन पर रखे गैस सिलेंडर को कोटा पटना एक्सप्रेस कुछ दूर तक सिलेंडर को ट्रैक पर घसीट सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन पर लोहे रखने के कारण कोटा पटना एक्सप्रेस का इंजन का बम्पर भी एक साइड का टेढ़ा हो गया। कोटा पटना एक्सप्रेस को खोलने के समय सहायक चालक व चालक के साथ गाड़ी खोलने के समय स्टेशन पर विवाद खड़ा कर दिया। बाद में स्टेशन प्रबंधक के समझाने बुझाने के बाद गाड़ी को आगे की ओर प्रस्थान किया गया। गाड़ी आप मौसम में पब्लिक है।